हेलो हाय फ्रेंड, फिर से आपको स्वागत है हृदय सामाजिक चैनल पे। खास आपके लिए आज एक बहुत ही खास और टेस्टी चिकन का रेसिपी लेकर आया हूँ। अगर आप रेगुलर चिकन के रेसिपी खा के बोर हो चुके हैं तो डेफिनेटली घर में ये रेसिपी जरूर एक बार ट्राई करें। ये बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से लाजवाब टेस्ट के साथ बन के रेडी होता है। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं आज का स्पेशल पेपर गार्लिक टेस्टी चिकन का रेसिपी बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से। सबसे पहले आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार चिकन ले लीजिए और उसे अच्छा से क्लीन करके परफेक्ट साइज में कट करके एक बाउल में ऐड कर लीजिए। और आज का स्पेशल रेसिपी को चटपटा और खास बनाने के लिए एक लेमन को बढ़िया तरीके से निचोड़ लीजिए या एक लेमन का जूस ऐड कर लीजिए और साथ में टेस्ट अनुसार सॉल्ट ऐड कर लीजिए और सबको बढ़िया तरीके से मिक्स कर लीजिए। अच्छा से मिक्स कर लीजिए और उसे मैरिनेट करने के लिए 1 आवर आप फ्रिज में रख सकते हैं, नहीं तो बाहर रख के भी मैरिनेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्पेशल रेसिपी का नेक्स्ट प्रोसेस। एक पैन में 50 ग्राम कुकिंग ऑयल ऐड कर लीजिए। ऑयल गर्म होने के बाद हल्का सा जीरा ऐड कर लीजिए और साथ में 4 से 5 ग्रीन चिली को बारीकी से कट करके ऐड कर लीजिए। और जैसे कि आपको पता है आज का स्पेशल रेसिपी पेपर गार्लिक है, तो 10 से 12 गार्लिक के कलियां को बारीकी से कट करके ऐड कर लीजिए और साथ में हल्का सा करी पत्ता ऐड करके सबको चलाते हुए 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में हल्का सा फ्राई कर लीजिए। 2 मिनट के बाद जो चिकन को मैरिनेट करके रखे थे उसे ऐड कर लीजिए। पूरे चिकन को, मैरिनेटेड चिकन को ऐड कर लीजिए और सबको अच्छा से बढ़िया तरीके से मिक्स कर लीजिए। अच्छा से मिक्स करते हुए ऐसे ही चलाते हुए साइड चेंज करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में बढ़िया तरीके से पका लीजिए। 2 से 3 मिनट बढ़िया तरीके से पकाने के बाद ढक के 4 से 5 मिनट के लिए लो या मीडियम फ्लेम में पका लीजिए। 4 से 5 मिनट पकाने के बाद चेक कर लीजिए, देख सकते हैं चिकन यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो आज का स्पेशल रेसिपी को मजेदार और खास बनाने के लिए 1 से 1.5 स्पून पेपर पाउडर ऐड कर लीजिए और सबको बढ़िया तरीके से मिक्स कर लीजिए। अगर यहाँ पे आपको चाहिए तो आप हल्का सा गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। सबको अच्छा से मिक्स करते हुए ऐसे ही चलाते हुए 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम में पका लीजिए। जब चिकन का पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो जाए फिर से एक बार ढक के लो फ्लेम में 2 से 3 मिनट के लिए बढ़िया तरीके से पका लीजिए। और 2 से 3 मिनट के बाद देख सकते हैं यहाँ पे चिकन ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। तो और खास और टेस्टी बनाने के लिए 1 स्पून सोया सॉस ऐड कर लीजिए और सबको अच्छा से मिक्स करते हुए ऐसे ही चलाते हुए ओपनली 1 से 2 मिनट बढ़िया तरीके से पका लीजिए। 2 से 3 मिनट बढ़िया तरीके से चिकन को साइड चेंज करते हुए पकाने के बाद हल्का सा गार्लिक की पीसेस ऐड कर लीजिए और हरा धनिया ऐड कर लीजिए और सबको अच्छा से मिक्स करते हुए फाइनल टच के लिए 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पका लीजिए। फिर बन के हो जाएगा रेडी आज का स्पेशल पेपर गार्लिक चिकन ड्राई का रेसिपी। देख सकते हैं आज का स्पेशल पेपर गार्लिक चिकन ड्राई का रेसिपी बहुत ही मजेदार टेस्ट के साथ बन के रेडी हो चुका है। तो आप भी हमारे रेसिपी के साथ घर में जरूर एक बार ट्राई करें। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए वीडियो हम यहीं पे रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में एक लाजवाब और स्पेशल डिश के साथ। थैंक यू सो मच।